मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। क्या बेजुबान जानवर की जान की कीमत नहीं होती है? एक बेजुबान जानवर की कार से कुचलने के बाद उसकी मौत हो गई, मगर ड्राइवर को उस पर जरा भी अफसोस नहीं है। इसकी जानकारी जब ARS फाउंडेशन की नाजमीन शेख को मिली तो मौके पर वो पहुंचे और ड्राइवर से पूछा कि आखिर आपने कैसे इस बेजुबान जानवर कुत्ते को कार से कुचल दिया, जिसके बाद ड्राइवर के अंदर इतनी अकड़ है कि पूछिए मत। अकड़ के बात कर रहा है कि दो बार हॉर्न बजाया और इफ्तार का टाइम हो रहा था, देर हो रहा था, वो समझा कि कुत्ता आगे से हट गया और इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। यानी कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये लापरवाही है। जरा सोचिए कि आज बेजुबान जानवर वहाँ पर था और इन्होंने दो बार हॉर्न बजाया और सोचा कि हट गया होगा, इन्होंने कार स्टार्ट कर दी। अगर कहीं वहाँ पर कोई छोटा बच्चा खेल रहा होता तो फिर यही उसके साथ हुआ होता तो क्या होता आखिर? लेकिन आपको बता दें कि लोग अक्सर कहते हैं कि कभी भी गाड़ियों को स्टार्ट करने से पहले उसके नीचे दाएं बाएं देख ले कि कोई बेजुबान जानवर उसके नीचे सोया ना हो। अगर जानवर होता भी है तो लोग उसे हटाकर गाड़ियां स्टार्ट करते हैं और गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मगर इस तरह से एक ड्राइवर ने लापरवाही कर कार स्टार्ट किया, जिसका नतीजा ये सामने आया कि कार से कुत्ते की कुचलने की वजह से मौत हो गई। ये घटना रविवार को मुंब्रा के शांति नगर में हुआ है और इसकी जानकारी जब नाजनीन शेख को लगी तो मौके पर वो पहुंच गई और ड्राइवर इस पर गलती मानने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से अकड़ दिखा रहा है कि जो करना है कर ले, दलीलें दे रहा है कि हॉर्न दो बार बजाया, कुत्ता नहीं उठा, रोजे का टाइम हो रहा था। चलो मान भी लेते हैं कि रोजे का टाइम हो रहा था, आपको देर हो रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी बेजुबान जानवर के ऊपर आप कार चढ़ाकर उसके ऊपर से चले जाएं। और ऊपर से एक बेजुबान जानवर को मारने के बाद अकड़ तो इतनी है इनकी कि पूछो मत। और मुंब्रा पुलिस स्टेशन में नाजमीन ने शिकायत भी दर्ज कराई है और शिकायत दर्ज करने को लेकर नाजमीन ने क्या कुछ बताया है और ऊपर से आपको सुनाते हैं कि ये ड्राइवर जिनकी कार से कुत्ते की कुचलने की वजह से मौत हुई है, जरा इनकी अकड़ भी आप देख लीजिए। हाय, आई एम नाजमीन फ्रॉम ARS फाउंडेशन और यहाँ पे पप्पी को बहुत ही ब्रूशली एक्सीडेंट किया गया है। क्या किया आपने जरा बताना मेरे को? नहीं, मैं नहीं टेंशन ले रही हूँ, आप मेरे को बताओ कि ये क्या किया इतना ब्रूशली उसको ठोका। एक तो ये गाड़ी बिल्कुल भी बराबर पार्क नहीं की गई है, ये कौन सा पार्किंग का वे है? टेढ़ा आपने पार्क किया, उसको ब्रूशली आपने ठोका। हाँ, क्या किया आपने? हाँ, बोलिए। यहाँ पे सो रहा था वो, ठीक है, मैंने हॉर्न मारा दो बार। हाँ? मुझे लगा उठ गया रहेगा वो। आपको लगा वो उठ गया? आपने अजान हो रही थी, अजान हो रही थी। इट्स ओके, मैं इफ्तारी का टाइम था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका एक मिनट इफ्तारी लेट होता तो उसकी जान बच जाती। जान ले, मैं जान लिया है, जान बुझ के नहीं लिया। मैं वीडियो बनाओ, क्या करने का, किधर करने का, दो मुझे कोई शौक नहीं है। मैं आपको नहीं जा पुलिस स्टेशन बुलाओ, किसको बुलाने का बुलाओ? आप बुलाओ, आप बुलाओ ना, किसको पुलिस स्टेशन बुलाने का? मैं नहीं जाऊंगा, आप बुलाओ। जाने नहीं दूंगी, आपकी औकात देगा, जाने नहीं देंगे। ज्यादा एडवांस मत बनिए, आप जाइए अपना काम। मैं नहीं जाऊंगी, आपने कुत्ते को मारा है? कुत्ते को मारा नहीं है, मैंने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं, मेरी गाड़ी के नीचे आया वो। कंफर्म नहीं था कि वो हटा के नहीं? कंफर्म नहीं था, मैंने नहीं, मैंने देखा ही नहीं उसको, मुझे कंफर्म नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है बच्चे को मारने का। उसको कुछ कर भी दिया है तो उसको ऐसे छोड़ के जाते? छोड़ कम से कम उसको उठा के अच्छी तरह रख के भी तो जाते? मैं रोजा था, मैं रोजा था, इफ्तार इफ्तार करने गया था मैं। अब भी आए जाए जान लेके रोजा कबूल हुआ? मैं हटाऊंगा ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जान लेके कबूल हुआ आपका रोजा? कबूल हुआ ना। मैं जान के मुंब्रा पुलिस चौकी गई थी ये पपी को लेके और उन लोगों ने मुझे बोला कि आप कोई सर्टिफिकेट लेके आइए कि ये जिंदा है या मर गया, तो ही हम FIR फाइल करेंगे। तो अभी मैं डॉक्टर से इसको दिखवा के इसका सर्टिफिकेट लेकर आऊंगी। उनकी गाड़ी के नीचे एक कुत्ते का बच्चा सोया था और उन्होंने दो बार हॉर्न मारा बट उसने सुना नहीं बिकॉज वो नींद में होगा। तो इनको इफ्तारी के लिए लेट हो रही थी इसलिए ये भाई साहब ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। मैंने FIR किया है, बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए गई है और मैं चाहूंगी मुंबई पुलिस से कि हम सारे एक्टिविस्ट जो एनिमल्स के लिए इतना काम करते हैं उनको इंसाफ मिले, क्योंकि ये कोई गलती से या मिस्टेक से नहीं हुआ है। वो बिल्डिंग के कोने में सोया था, ऐसा भी नहीं कि वो रोड पे था, ये भाग के गाड़ी के नीचे आया।